गुड मॉर्निंग भाई। तो लाइफ क्विज चैलेंज 6 2021, इसके मैं सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। काफी आसान क्विज ही है, तो जल्दी से एक बार डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, देन द इंटरवल इन विच y इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल है, एक फंक्शन दिया है और बोल रहा है कि वो फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो जिस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं और ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं। ठीक है भाई, तो मैं पहले आपके लिए एक बार दोबारा से एफ ऑफ एक्स को कॉपी कर रहा हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और फंक्शन को मुझे क्या करना है भाई, इंक्रीजिंग। तो ये तो हमें पता ही है, फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है भाई, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स विद अ माइनस साइन, ये माइनस साइन मत लगाना भूल जाना, प्लस ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और इसे हमें ग्रेटर देन जीरो करना ही था। आपको दिख रहा है भाई कुछ यहां पर कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन निकाल देता हूं। तो आई थिंक ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और एक एक्स कॉमन आ रहा है। ई की पावर माइनस एक्स और एक्स कॉमन लेने के बाद यहां पर बचा 2 और यहां पर बचा माइनस एक्स। ठीक है भाई, सिंपल सी इनइक्वालिटी है, ये तो हमें पता है हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 और 2 प्लॉट कर लेते हैं। 3 डालने पर मुझे लग रहा है, 3 डालने पर मुझे लग रहा है फॉल्स सॉल्यूशन आ रहा है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा, ये बीच वाला पोर्शन हो गया। हो गया भाई, तो फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में हो गया, 0 से लेकर 2 में। तो आंसर विल बी डी, और प्रॉब्लम काफी आसान है, दोबारा डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। फंक्शन इंक्रीजिंग डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम में उसने मेरे को एक फंक्शन दिया है और बोल रहा है कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और ग्रेटर देन जीरो कर देंगे। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पहले आई थिंक फंक्शन की सबसे पहले मुझे क्या देनी पड़ेगी, डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फंक्शन की डोमेन लिख देता हूं। डोमेन आपको समझ में आ रहा होगा, 1 + x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, क्योंकि वो लॉग के आगे आ रहा है। तो x ग्रेटर देन -1, यानी x जो इंटरवल होगा दैट वुड बिलोंग्स टू -1 से इनफिनिटी। ये तो सिर्फ फंक्शन की हमारे पास डोमेन हुई और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब इंक्रीजिंग की बात करनी है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूं और ग्रेटर देन 0 कर देता हूं। ठीक है, तो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, तो हम सारे लोग पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। लॉग ऑफ 1 + x का डेरिवेटिव 1/1 + x माइनस, ये समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट वाले डेरिवेटिव में क्वेश्चन रूल लगेगा, 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x एज इट इज, और 2 + x का डेरिवेटिव 1। सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 + x माइनस 4 + 2x माइनस 2x डिवाइड बाय 2 + x का होल स्क्वायर। 2x और 2x क्या हो गया, कैंसिल। थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आंसर तक तो पहुंचना ही है, -4/2 + x का होल स्क्वायर। थोड़ी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो भाई हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या आया, 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर। ऊपर चेक करिए, 4 आया, प्लस में एक्स स्क्वायर आया, प्लस में 4x आया, माइनस में 4 आया और माइनस में 4x आया। 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपका एफ डैश एक्स आ चुका है। क्या आया है, 1 + x नीचे,
टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर नीचे और एक्स स्क्वायर ऊपर, और फंक्शन को क्या करना था भाई आपको, इंक्रीजिंग, इसका मतलब डी वाई बाय डीएक्स को क्या करना था, ग्रेटर देन जीरो। हाँ भाई, ये एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो भाई वन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, यानी फंक्शन हमारा इज इंक्रीजिंग इन इट्स होल डोमेन। ठीक है भाई, हमारा फंक्शन जो है वो अपनी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग आ गया। यू कैन चेक कि भाई फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन हमारी ये थी, और पूरे इंटरवल में ही फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास हो गया, माइनस वन से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करते हुए जा रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आंसर इज ए। ए कंप्लीट सेट नहीं है बट सबसेट है, जीरो से इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज करते हुए जा ही रहा है। तो सवाल बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बोल सकते हो, बट सवाल काफी आसान है और कैलकुलेशन भी ऐसी कोई टफ तो है नहीं। फंक्शन इंक्रीजिंग, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट्स इट, और कुछ किया ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। हाँ भाई, एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, किसी एक इंटरवल आई पे फॉग एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और हमें सवाल में फॉग का ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट करना है। ठीक है, हाँ भाई, तो किसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट करना है, फॉग एक्स की। तो एक बार फॉग एक्स लिख लेते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फॉग एक्स, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है भाई, h h of x is equals to f of g of x, fog x की बात करनी थी, मैंने उसको फंक्शन h x मान लिया। मुझे बताना है कि ये जो फंक्शन है h x f of g x, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो बस क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव के साइन पे ही कमेंट करना पड़ेगा, करते हैं। डिफरेंशिएट कर रहा हूं, h dash of x, f का डेरिवेटिव f डैश, चेन रूल के अकॉर्डिंगली g का डेरिवेटिव g डैश x। ठीक है, अब आप सवाल को ध्यान से एक बार देख लीजिए, g एक डिक्रीजिंग फंक्शन दिया था, g एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, इसका मतलब ये जो g डैश होगा वो नेगेटिव होगा। सवाल में gx एक डिक्रीजिंग फंक्शन दिया था, और gx अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो gx का डेरिवेटिव g डैश x कंफर्म्ड नेगेटिव होगा। सवाल में f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर सवाल में f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो f डैश होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यानी ये वाली क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। इसका मतलब h डैश x क्या आ गया, लेस देन जीरो। इसका मतलब hx क्या हो गया, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल आई। एच एक्स हमारा आई इंटरवल में क्या हो गया भाई, डिक्रीजिंग हो गया। बहुत सिंपल सा है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एफ डैश इज पॉजिटिव, जी डैश इज नेगेटिव, ओवरऑल एच डैश नेगेटिव आ गया, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल आई। तो फॉग इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल आई, आंसर इज बी। और आई थिंक सवाल काफी आसान ही है, सवाल में सब कुछ है भी नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, सवाल में एक फंक्शन दिया है और बोल रहा है कि वो फंक्शन जो है वो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिक्रीजिंग, तो बस कुछ नहीं करना, x belongs to r के लिए dy by dx क्या होना चाहिए, less than zero, और वो करके हमें किसकी values पर comment करना है, b की values पर comment करना है। और इस तरह के सवाल हम लोगों ने काफी किए हैं। Whenever the function is given increasing or decreasing in its complete domain and we have to find the value of some constant that is b here, हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में आई थिंक उस ओपन इंटरवल जहां पे आता है वहां पे हम क्लोज तो कर ही देते हैं,
मान लो इस सवाल में b हमारा अगर 1 से इन्फिनिटी आता है तो b क्लोज 1 से इन्फिनिटी करना ही पड़ेगा, 1 भी इंक्लूड होता है। क्यों होता है भले एक बार जल्दी से देख लेंगे। ठीक है भाई, मैं पहले फंक्शन कॉपी कर रहा हूं। मैंने फंक्शन कॉपी कर दिया, बोल रहा है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, इसका मतलब f डैश ऑफ x इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। f डैश x बहुत ही आसान है, sin x का डेरिवेटिव cos x और माइनस बी एक्स का माइनस बी सी का तो जीरो हो गया, लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो चेक करिए हमारे पास b क्या आ गया, ग्रेटर देन cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी b जो होना चाहिए वो हर x के लिए cos x से बड़ा होना चाहिए। अब खुद बताओ अगर b को हर x के लिए cos x से बड़ा करना है तो मैं अगर b को cos x की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर दूं तो ऑब्वियस है b सारी वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। तो मैं b को cos x की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर देता हूं, यानी b को 1 से बड़ा कर देता हूं। तो b का इंटरवल हमारे पास आ गया है ओपन 1 से इन्फिनिटी, लेकिन हमने सीखा है कि हम जो आंसर देते हैं वो इसका क्लोज करके ही देते हैं। तो b belongs to 1 से लेकर इन्फिनिटी, हम लास्ट में क्लोज करना नहीं भूलते, 1 भी अलाउड होगा। बिल्कुल सीखा है जब भी इंटरवल की हम लोग बात करते हैं इस कैटेगरी के प्रॉब्लम में, व्हेनेवर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स कंप्लीट डोमेन, हमारा जो इंटरवल आता है ओपन आता है बट हम उसे क्लोज कर दिया करते हैं, क्योंकि b इक्वल टू 1 पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर b इक्वल टू 1 भी फंक्शन पूरी डोमेन में डिक्रीजिंग ही होगा। तो b बिलोंग्स टू 1 से लेकर इंफिनिटी, b 1 भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं भाई हम लोग आगे। ध्यान रखना है इस कैटेगरी का सवाल, कैटेगरी क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन इट्स कंप्लीट डोमेन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम अननोन बी एंड बी और के, तो हमें ओपन इंटरवल ही मिलेगा लास्ट में, लेकिन क्लोज करना मत भूलना क्योंकि वो भी अलाउड होता है, वो हमने सीखा होगा, मैं ज्यादा डिस्कशन में नहीं जा रहा, वो हमने सीखा है। तो बी बिलोंग्स टू क्लोज 1 से इन्फिनिटी, तो ये भी हमारे पास काफी आसान प्रॉब्लम ही। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज दिस फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, बोल रहा है कि ये फंक्शन नीचे जो इंटरवल दिए हैं ऑप्शंस में किस में डिक्रीज कर रहा है, तो एफ एक्स दिया है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इसमें से किस इंटरवल में नेगेटिव है। ठीक है ना भाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स को लेस देन जीरो करेंगे और इंटरवल निकाल लेंगे। चलो करते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉपी कर रहा हूं, एक्स की पार 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, एफ डैश एक्स क्या हो गया 100 एक्स की पार 99 प्लस कॉस एक्स, और भाई फंक्शन को क्या करने को बोल रहा था भाई, वो डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा भाई, लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स हम लोगों ने निकाला है, इसको हम कर देंगे लेस देन जीरो। इतना तो हमें समझ में आ रहा होगा कि आप इसका इंटरवल निकाल तो नहीं पाएंगे, क्यों, एलजेब्रा ट्रिक नो, तो ठीक है ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ध्यान से, जीरो से लेकर पाई बाई टू, ये पता है जीरो से लेकर पाई बाई टू, जीरो से लेकर 1.57, जीरो से लेकर पाई बाई टू, जीरो से लेकर पाई बाई टू में अगर हम लोग बात करें तो जीरो से पाई बाई टू, जीरो से 1.57, ये तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव ही है, तो लेस देन जीरो तो नहीं आ रहा, यानी फंक्शन डिक्रीजिंग इस इंटरवल में तो नहीं है, इंक्रीजिंग है भाई। ठीक है, अब आते हैं जीरो से वन, जीरो से वन का मतलब जीरो से अप्रोक्स 57 डिग्री, वन है तो वन रेडियन, जीरो से वन यानी जीरो से 57 डिग्री, देखते हैं
जीरो से वन में ये तो पॉजिटिव ही होगा, और जीरो से 57 डिग्री में पहले क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव ही होगा। ओवरऑल पॉजिटिव ही आ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, यानी फंक्शन इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग ही है। आते इस इंटरवल में पाई बाय टू से लेकर पाई, पाई बाय टू से लेकर पाई का मतलब 1.57 से 3.14, 1.57 से 3.14 की बात करें तो ये हमारा कंफर्म्ड पॉजिटिव है और ये हमारा कंफर्म्ड नेगेटिव है, कंफर्म्ड नेगेटिव है। समझ में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव है, बट मुझे लगता है पाई बाय टू से लेकर पाई में ये नेगेटिव है। है तो कहां से कहां तक का नंबर एक बार लिख देता हूं, पाई बाय टू से पाई के बारे में लिख देता हूं। पाई बाय टू से लेकर पाई में 100x की पावर 99 तो एक पॉजिटिव नंबर है, cos x एक नेगेटिव नंबर है। पर समझ में आ रहा होगा cos x तो सिर्फ -1 से 0 के बीच का नंबर नेगेटिव है, लेकिन ये 100x की पावर 99 जो है वो पॉजिटिव है, और मुझे लगता है पॉजिटिव में भी बहुत बड़ा है। तो आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा कि ये नंबर पॉजिटिव बहुत बड़ा और ये नंबर नेगेटिव 0 से -1 के बीच में। ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है, यानी फंक्शन इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग ही है इन ऑल थ्री ऑप्शंस, तीनों इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग ही है। उसने हमसे फंक्शन का कौन सा इंटरवल मांगा है, डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग का इंटरवल तो कौन सा हुआ, नन ऑफ दीस, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, और मुझे लगता है ये सवाल भी काफी आसान ही है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। एक क्यूबिक फंक्शन दिया है और ऑप्शन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात हो रही है, तो पता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक बार लिख देता हूं, या फिर पता है डिस्कशन ही कर लेते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां आ सकता है, जहां पर डी वाई बाय डी एक्स जीरो हो या फिर डी वाई बाय डी एक्स फेल हो, डी वाई बाय डी एक्स जीरो हो या फिर डी वाई बाय डी एक्स फेल हो। ये तो पता है प्लेन क्यूबिक है, डी वाई बाय डी एक्स फेल तो नहीं होगा, बस डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं और जीरो के बराबर करते हैं। तो फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाय डी एक्स हैज टू बी इक्वल टू जीरो। कर लेते हैं आराम से, 2x का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x, माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, आई थिंक 6 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, शायद फैक्टराइजेबल है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। सही है भाई, 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x, माइनस 12x का माइनस 12, और फैक्टराइज वगैरह भी मैंने कर दिया। ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, माइनस 1 और 2। आई थिंक डी वाई बाय डी एक्स का साइन स्कीम भी देख ही सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमा मिनिमा का आइडिया लग जाए। तो हमें समझ में आ रहा होगा एफ डैश एक्स हम लोगों ने निकाला 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। पता है डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पॉजिटिव है, डी वाई बाय डी एक्स यहाँ नेगेटिव है, डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पॉजिटिव है, यानी फंक्शन पहले 1 तक माइनस 1 तक इंक्रीज कर रहा है, फिर फंक्शन 2 तक डिक्रीज कर रहा है, और फिर 2 के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो समझ में आ गया, यहां पर हमें लोकल मैक्सिमा मिला और यहां पर हमें लोकल मिनिमा मिला, यानी फंक्शन हैज एग्जैक्टली 1 लोकल मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 लोकल मिनिमा। तो आंसर इज बी, सवाल में कुछ है ही नहीं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी वाई बाय डी एक्स जीरो या फेल हो नहीं सकता, डी वाई बाय डी एक्स जीरो किया, साइन स्कीम चेक कर ली। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में उसने एक फंक्शन दिया है मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन में बोल रहा है एक्स इक्वल टू 1 पे मिनिमा है, जीरो पे मिनिमा है,
टू पर मिनिमा और मैक्सिमा दोनों नहीं है, तो इसका मतलब जीरो वन और टू तीन पॉइंट्स पर बात करनी है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए हमें आता ही है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए dy by dx जीरो होता है या फिर dy by dx फेल करता है। मुझे लगता है समझ में आता भी होगा, dy by dx जीरो पर भी फेल करेगा, dy by dx वन पर भी फेल करेगा और dy by dx टू पर भी फेल करेगा बिकॉज ऑफ द शार्प पॉइंट्स। और मुझे लगता है ये तो बहुत आसान ही है, इजीली हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, चंद सेकंड्स की बात है, आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर ही सकते हैं, बहुत बेसिक ग्राफ हमारा इसका है, बना ले। चलो देखते हैं। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ था, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। आपको ये तो समझ में आता होगा एक्स इक्वल टू जीरो पे शार्प कॉर्नर आएगा, x इक्वल टू वन पे शार्प कॉर्नर आएगा और x इक्वल टू टू पे शार्प कॉर्नर आएगा। और मॉड प्लॉट करना सबसे आसान होता है, कैसे, x को जीरो पुट कर रहा हूं, चेक करना x को जीरो पुट करने पर, x को जीरो पुट करने पर इसने जीरो दिया, इसने वन दिया और इसने टू दिया, y अल्टीमेटली थ्री आ गया, x जीरो y थ्री, ठीक है। x को 1 पुट कर रहा हूं, x को 1 पुट करने पर ये 1 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, चेक करो y 2 आ गया, x 1 y 2, तो ये हमारा x 1 y 2। और लास्ट शार्प पॉइंट कहां मिलेगा, x इक्वल टू 2 पर, तो x को 2 पुट करने पर ये 2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, y आ गया 3, तो लास्ट शार्प पॉइंट मिलेगा 2, 3, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट जो मैंने बनाए हैं इसमें आपको शार्प पॉइंट मिलेगा, बस ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिया, यहां पे आपको क्या मिलना चाहिए, शार्प पॉइंट, क्या मिलना चाहिए, शार्प पॉइंट। अब इसको किस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट से शार्प पॉइंट मिलेगा, ठीक है भाई। और अब पता है यहां पर भी क्या मिलेगा भाई, शार्प पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको तीन शार्प पॉइंट मिल गए, जीरो पर, वन पर और टू पर। यहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है और आई थिंक इस ग्राफ से देखकर ही समझ में आ जाएगा कि कहां कहां लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है। तो ध्यान से देखना, ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है कि जीरो पर फंक्शन डिक्रीज करते हुए ही जा रहा है, x इक्वल टू वन पर फंक्शन का लोकल मिनिमा है, x इक्वल टू टू पर फंक्शन इंक्रीज करते हुए ही जा रहा है, ठीक है भाई। तो आई थिंक समझ में आ गया, पहला ऑप्शन था कि x इक्वल टू वन पर मिनिमा है, ठीक है। अब आप चूज कर सकते हो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, तो मुझे लगता है ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, एफ एक्स इज हैज अ मिनिमम एट x इक्वल्स टू जीरो, नो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स हैज अ मिनिमा एट x इक्वल्स टू वन। तो अगेन काफी सिंपल प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था, आराम से कर दिया। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, एक फंक्शन दिया है और एक लोकल मिनिमा की बात हो रही है, लोकल मिनिमा के आने के चांसेस कहां कहां होते हैं, जहां पर dy by dx जीरो होता है और जहां पर dy by dx फेल होता है। तो करें स्टार्ट, और dy by dx फेल तो कहीं होगा नहीं क्योंकि प्लेन सिंपल सा फंक्शन है, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। dy by dx फेल होने के चांसेस कहां होते हैं, मॉड सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो फेल तो नहीं होना, ठीक है। तो फॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx जीरो होता है या dy by dx फेल होता है, फेल तो कहीं होना ही नहीं है। चलो f डैश x निकालते हैं, x by 2 का डेरिवेटिव 1/2, 2 by x का डेरिवेटिव -2/x² = 0, ये आ गया। थोड़ा बहुत एलसीएम ले लीजिए,
नीचे आ गया 2x square, ऊपर आ गया x square minus 4 is equals to 0. तो फाइनली चेक करिएगा f dash x is coming out to be x minus 2 into x plus 2 upon में 2x square. तो पता है equal to 0 करते ही हमें पॉइंट तो कितने मिल रहे हैं, दो. कौन कौन से? माइनस टू और टू. और अब बस साइन स्कीम बना लेते हैं एफ डैश एक्स की. और पता है एफ डैश एक्स यहां क्या होगा? पॉजिटिव. यहां क्या होगा? नेगेटिव. यहां क्या होगा? पॉजिटिव. इसका मतलब फंक्शन यहां तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, और उसके बाद इंक्रीज कर रहा है. तो ग्राफ में उसने मेरे से लोकल मिनिमा पूछा था. आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर हमें मिल गया लोकल मिनिमा, यहां पर हमें मिल गया लोकल मैक्सिमा. तो लोकल मिनिमा कहां पे आया? x इक्वल्स टू 2 पे आया. तो आंसर इज डी. और सवाल काफी आसान ही है, कुछ भी नहीं है. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं. हाँ भाई, उसने एक fx दिया है, पॉलिनोमियल है, साफ साफ दिख रहा है, और बोल रहा है ऑफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा. अगेन वही, एफ एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है. एफ एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा कहां कहां आता है? जहां पर डी वेबेडिक जीरो हो या फेल हो. फेल तो होगा ही नहीं, प्लेन पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो करते हैं स्टार्ट. फॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश एक्स निकालेंगे, डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे और जीरो के बराबर कर देंगे. निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, भी बहुत बड़ा इशू नहीं है. वन का डेरिवेटिव जीरो, टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, 4x की पावर 4 का डेरिवेटिव 16x क्यूब, 6x की पावर 6 का डेरिवेटिव 36x की पावर 5, और लास्ट टर्म की बात करें तो 100 का स्क्वायर एक्स की पावर 99. ये हम लोगों ने एफ डैश एक्स कर दिया. ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा. एक्स तो कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 36x की पावर 4 और लास्ट में 100x की पावर 98 इक्वल टू 0. ठीक है, ये तो हमें आराम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो ब्रैकेट की टर्म है ये तो हमेशा पॉजिटिव है. सबको दिख रहा है कि भाई ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, एक्स इक्वल टू आप सबको दिख रहा होगा, एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है. अब मैक्सिमा है मिनिमा, तो साइन स्कीम चेक कर लेते हैं. जीरो, तो पता है जीरो से बड़ा. यहां पर बात करें तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव. तो यहां पे पॉजिटिव और यहां पे एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? नेगेटिव. इसका मतलब फंक्शन पहले क्या करेगा? डिक्रीज. और फिर फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज. हमें समझ में आ गया कि एक्स इक्वल टू जीरो पर लोकल मिनिमा है. एक्स इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमा है. एक्स इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमा है. तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ओनली वन मिनिमम, एक ही मिनिमा है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो. ठीक है भाई, अगेन ये सवाल भी काफी आसान है. चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं. फंक्शन ये दिया है और बोल रखा है कि भाई इसका मैक्सिमा और मिनिमा पी और क्यू पर आएगा. मैक्सिमा आएगा पी पर, मिनिमा आएगा क्यू पर. एक रिलेशन दिया है, ए की वैल्यू निकालनी है, और सवाल में साफ साफ ए ग्रेटर देन जीरो भी दिया हुआ है. फिर वही मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा पी और क्यू पर अटेन हो रहा है, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो या डी वाई बाई डी एक्स फेल. फेल तो होगा ही नहीं. डायरेक्टली कर लेते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो कर देता हूं फॉर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. 2x का क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 9ax स्क्वायर का माइनस 18ax और प्लस 12a स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ये हमारा क्या है भाई?
एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है एफ डैश ऑफ एक्स में सिक्स तो कॉमन आ रहा है, मैं उसे जीरो में भेज रहा हूं. एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ए दैट इज इक्वल टू जीरो. फाइनली चेक करो, फैक्टराइज हो गया और फैक्टराइज करने पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस टू ए इक्वल टू जीरो. इतना तो हमें समझ में आता है कि x इक्वल टू ए आ गया और x आया. कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा या फिर कहीं भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का साइन स्कीम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं. ये पता है साइन स्कीम किसकी है, एफ डैश एक्स की. पहले क्या मार्क कर दें ए और फिर क्या मार्क कर दें टू ए, क्योंकि ए तो पॉजिटिव दिया हुआ ही था. हाँ भाई, अब अगर बात करें यहां पर टू ए से बड़ा, तो हमें पता लग रहा है टू ए से बड़ा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो साइन स्कीम का आइडिया हो गया. यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज करेगा फिर फंक्शन डिक्रीज करेगा और फिर फंक्शन इंक्रीज करेगा. तो यहां पर क्या मिला, लोकल मैक्सिमा और यहां पे क्या मिला, लोकल मिनिमा. सवाल में बोला था कि लोकल मैक्सिमा कहां अचीव हो रहा है, पी पर, यानी ये पॉइंट हमारा पी हुआ और लोकल मिनिमा कहां अचीव हो रहा है, क्यू पर, यानी ये हमारा क्यू हुआ. और अब सवाल में रिलेशन क्या दिया है, P square is equal to Q. P क्या है, A, यानी A square equal to Q. Q क्या है, 2A. तो A square minus 2A equal to 0. तो चेक करिएगा A की दो वैल्यू आ गई 0 और 2. मुझे लगता है ज्यादा सोचना ही नहीं है, A 0 से बड़ा दिया हुआ है, A equal to 2 will be the answer. ठीक है भाई, मुझे लगता है ये सवाल भी काफी आसान ही है, कुछ भी खास काम नहीं किया. चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं. ए की वैल्यू निकालने हैं, ठीक है, जिसके लिए ये फंक्शन डिक्रीज करेगा फॉर ऑल रियल एक्स. आई थिंक समझ में आ गया, अभी मैंने कैटेगरी एक्सप्लेन करी थी, व्हेनेवर एनी फंक्शन इज इंक्रीजिंग or decreasing in its complete domain and we have to find the interval of some unknown, here is a. open aega, last mein close hum log laga hi denge kyunki close lag jata hai har baar bhai, ye humne padha hai, zyada detail mein nahi ja raha. theek hai bhai, to pehle main fx dobara se copy kar raha hu. एफ एक्स कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब सवाल में बोला था कि ये डिक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल एक्स, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल रियल एक्स. एफ डैश एक्स निकालूंगा, सारे लोग निकाल सकते हैं, थ्री इंटू ए प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस नाइन ए एंड दैट हैज टू बी लेस देन जीरो for all x belongs to R. For the calculation purpose, 3 common आके 0 में भेज रहा हूं. A plus 2 x square minus 2ax plus 3a must be less than 0 for all x belongs to R. अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन गई, एक quadratic. और इस quadratic का आंसर क्या लाना है, नेगेटिव. कब लाना है, हर एक्स के लिए. इसका मतलब इस क्वार्टिक का ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए और किसी क्वार्टिक का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे कब आता है, जब उसका ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो एंड डी भी नेगेटिव हो. ठीक है भाई, आपको पता ही है कि भाई ये क्वार्टिक है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लाना है, कभी कभी लाना है नहीं, हमेशा लाना है. तो अगर किसी क्वार्टिक का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हमेशा लाना हो तो उसे कॉनकेव डाउनवर्ड होना पड़ेगा और उस वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा.
तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए प्लस टू हैज टू बी लेस देन जीरो एंड साइमल्टेनियसली डी हैज टू बी लेस देन जीरो. कर सकते हैं बहुत आराम से, कर लेते हैं जल्दी से. हाँ भाई, इससे तो a लेस देन माइनस टू आ गया, बाद में प्लॉट कर लेंगे. d लेस देन जीरो करते हैं हम लोग अभी. d b स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो. कैलकुलेशन पर्पस के लिए दिख रहा होगा फोर कॉमन आके जीरो में जा रहा है. ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए इज लेस देन जीरो. It is coming out to be minus 2a square minus 6a is less than 0. Shayad minus 2a common aa raha hai. A plus 3 is less than 0. Minus ko bhej rahe ho, to sign of inequality change kar do. A into a plus 3 greater than 0. Ho gaya hai. Number line par kaun sa point? 0 aur kaun sa? Minus 3. To ye wala interval aya aur ye wala interval aya. लेकिन सवाल में पहले ही बोला था a greater than minus 2. तो a greater than minus 2 वाला interval, सॉरी a less than minus 2. तो a minus 2 से भी छोटा होना चाहिए. तो a minus 2 यहां कहीं होगा, a less than minus 2. ठीक है भाई, you can easily check a belongs to कहां से कहां तक आ रहा है. minus infinity से minus 3 और हम लास्ट में क्लोज लगाना तो भूलते ही नहीं है. इस पूरी कैटेगरी में क्लोज तो हो ही जाता है. ए बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस थ्री, क्लोज इज द आंसर. डी इज द आंसर. सवाल सिंपल ही है, बट यू कैन पुट दिस प्रॉब्लम इन द मीडियम कैटेगरी. कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर दिया. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं. फंक्शन ये दिया है, ऑप्शन ए और बी में किसकी बात हुई है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा और उसका साइन देखना होगा. ठीक है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? e की पार्ट 2x माइनस 1 अपॉन e की पार्ट 2x प्लस 1. मुझे इसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन रूल. और क्वेश्चन रूल को अगर अवॉइड करना है तो हम ये भी कर सकते हैं ना, e की पार्ट 2x प्लस वन माइनस टू. बहुत बेसिक सा फंडा है, थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा डेरिवेटिव निकालते वक्त. चेक करिएगा, एफ एक्स हमारा आ चुका है वन माइनस टू अपॉन ई की पार्ट टू एक्स प्लस वन. क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, साफ साफ दिख रहा था प्लस वन, तो मैंने यहां प्लस वन और माइनस टू कर दिया. कौन सा बड़ा काम है? कर दें डेरिवेटिव, काफी आसान है. एफ डैश ऑफ एक्स, वन का डेरिवेटिव तो जीरो. वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. तो प्लस हो जाएगा टू अपॉन ई की पार्ट टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. चेन रूल के अकॉर्डिंगली ई की पार्ट टू एक्स का डेरिवेटिव ई की पार्ट टू एक्स और टू एक्स का डेरिवेटिव टू. तो फाइनली चेक करिएगा, एफ डैश एक्स इज कमिंग आउट टू बी फोर ई की पार्ट टू एक्स अपॉन ई की पार्ट टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. ठीक है, अब पता ही है ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है. इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा क्या आ गया? ग्रेटर देन जीरो. एफ एक्स हमेशा क्या आ गया? इंक्रीजिंग. तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, डिक्रीजिंग नहीं है. जल्दी से, सिंगल ऑप्शन है, मिल तो गया पर, लेकिन कर देता हूं. एक इवन और ऑड की बात और हो रही है. एफ ऑफ एक्स आप लोगों ने लिखा हुआ ही है, मैं एक बार यहाँ पे साइड में एफ ऑफ माइनस एक्स और लिख देता हूं. एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो. ई की पार माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई की पार माइनस टू एक्स प्लस वन. और ये तो हमें पता है ना, हम ई की पार माइनस टू एक्स को वन अपॉन ई की पार टू एक्स लिख सकते हैं. तो वन माइनस ई की पार टू एक्स अपॉन वन प्लस ई की पार टू एक्स. पता लग रहा होगा, एलसीएम ले लिया, वन अपॉन ई की पार टू एक्स माइनस वन, वन माइनस ई की पार टू एक्स अपॉन वन प्लस ई की पार टू एक्स. साफ साफ पता लग रहा होगा एफ एक्स एक ऑड फंक्शन आ गया. ध्यान से देख सकते हो, इन दोनों में सिर्फ एक माइनस का फर्क है.
एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान प्रॉब्लम है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डी बायबेटिक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो इवन और ऑड एफ ऑफ माइनस. ठीक है, चलिए भाई, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम भी काफी आसान ही था. बस सवाल आसान ही होते हैं, वो ध्यान से पढ़ना होता है, अच्छे से करना होता है. एफ एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स व्हेन मॉड एक्स लेस देन पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस मॉड एक्स व्हेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाई टू. सारे ऑप्शन में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की ही बात करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक हमें समझ में आ रहा होगा. tan इनवर्स x mod x less than pi by 2, pi by 2 minus mod x greater than equal to pi by 2. Local maxima, local minima की ही बात करनी है सवाल में, ठीक है. अब मुझे ये बताओ, local maxima और local minima की chances कहां कहां होते हैं. पहला चांस जहां पे dy by dx जीरो हो, dy by dx जीरो, पूरा नहीं कर रहा हूं, फंक्शन का लोकल मैक्सिमा मिनिमा का चांस जहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो. ये पता है, इसका डेरिवेटिव आप लोग करोगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि कभी जीरो नहीं होगा. इसका डेरिवेटिव करोगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा. यानी लोकल मैक्सिमा मिनिमा का पहला रीजन होता है डी वाई बाई डी एक्स का जीरो होना, जो कि नहीं हो रहा है. दूसरा रीजन होता है कि जहां पर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाए, फेल. अब डी वाई बाई डी एक्स फेल होने के चांसेस कहां कहां होते हैं, एंड पॉइंट्स पे. यानी कहां पे एंड पॉइंट आपको सवाल में दिख रहे होंगे, एंड पॉइंट इज पाई बाय टू एंड माइनस पाई बाय टू, दिख रहा है मॉड एक्स लेस देन पाई बाय टू, एंड पॉइंट आर माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू. और कहां पे, जहां पे मॉड के अंदर की टर्म जीरो हो रही हो, यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो, पर एक्स इक्वल्स टू जीरो दिख रहा है, वो लेना नहीं है. तो ये आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा कि सारी बातें हमें क्या करनी है, पाई बाय टू पर और माइनस पाई बाय टू पर. हमें बताना है कि पाई बाय टू पर माइनस पाई बाय टू पर लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, या फिर कुछ भी नहीं है. उसके लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं. एक तो होता है बेसिक डेफिनेशन, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट, एक होता है सेकंड ऑर्डर टेस्ट. और सारी चीजें फेल हो जाती हैं एक्सेप्ट द बेसिक डेफिनेशन, अगर फंक्शन कैसा हो, डिसकॉन्टिन्यूअस. तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन सवाल में लिखा हुआ है, ये पाई बाय टू पर माइनस पाई बाय टू पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है. आप लोग देख भी सकते हो, पाई बाय टू पर एलएचएल निकालोगे तो टेन इनवर्स पाई बाय टू आएगी, और पाई बाय टू पर आरएचएल निकालोगे तो जीरो आएगी. तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है पाई बाय टू पर. माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से छोटा एलएचएल, माइनस पाई बाय टू से छोटा एल एच एल, तो माइनस पाई बाय टू से छोटा एल एच एल निकालोगे तो पाई आएगा, या जीरो आएगा, सॉरी जीरो आएगा. और माइनस पाई बाय टू से बड़ा आर एच एल, टेन इनवर्स माइनस पाई बाय टू आएगा. मतलब फंक्शन क्लियरली डिसकॉन्टिन्यूअस है, और फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो सिर्फ एक ही तरीका बचता है, बेसिक डेफिनेशन, और वही खुद ही बता देगी कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है. तो ठीक है, सबसे पहले पाई बाय टू पर बात करते हैं, और बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से बात करेंगे. एफ ऑफ क्या निकालेंगे, पाई बाय टू माइनस एच, और क्या निकालेंगे, एफ ऑफ पाई बाय टू, फिर क्या निकालेंगे, एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एच. चलिए भाई, निकालना स्टार्ट करते हैं. एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, पाई बाय टू से थोड़ा सा छोटा, ये पता है पाई बाय टू माइनस एच यहां से निकलेगा, मॉड एक्स लेस देन पाई बाय टू, मतलब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. लिखना चाहूं तो यही लिख देता हूं, इसका मतलब है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है, और इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से माइनस पाई बाय टू यूनियन पाई बाय टू से इन्फिनिटी. ये तो मतलब होता ही है. चलो लौट के आते हैं, एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एच, पाई बाय टू से थोड़ा सा छोटा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, डाल देते हैं क्या, पाई बाय टू माइनस एच,
टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय टू माइनस एच। हो सकता है आपको इसकी वैल्यू का आइडिया ना हो, मैं आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देता हूं। बेटा ये तो पता है ये अप्रोक्सीमेटली पाई बाय टू ही है। टेन इनवर्स पाई बाय टू, टेन इनवर्स पाई बाय टू का मतलब शायद ये होगा कि टेन की वैल्यू पाई बाय टू कब होगी, टेन की वैल्यू पाई बाय टू कब होगी। पाई बाय टू का अप्रोक्स मतलब 1.57, रूट थ्री बोल देते हैं, अप्रोक्स बता रहा हूं टेन की वैल्यू रूट थ्री कब होगी, तो पाई बाय थ्री, यानी इसका जो आंसर आएगा वो पाई बाय थ्री से थोड़ा सा छोटा आएगा, पाई बाय थ्री से छोटा आएगा, ठीक है, लेस देन पाई बाय थ्री आएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। f ऑफ पाई बाय टू, ये पता है f ऑफ पाई बाय टू इससे निकलेगा, यहां पर x को पाई बाय टू डाल दो तो जीरो आ गया, f ऑफ पाई बाय टू जीरो। अब निकालना है f ऑफ पाई बाय टू प्लस एच, ये पता है f ऑफ पाई बाय टू प्लस एच इससे निकलेगा, x को डाल रहा हूं पाई बाय टू प्लस एच, ये पता है x को तुम जब पाई बाय टू प्लस एच डालोगे मॉड की जरूरत नहीं है, पाई बाय टू कैंसिल, चेक करो f ऑफ पाई बाय टू प्लस एच इज कमिंग आउट टू बी माइनस एच। और मुझे अब इजीली दिख गया है सवाल में कि भाई f ऑफ पाई बाय टू माइनस एच और f ऑफ पाई बाय टू में कौन बड़ा है, f ऑफ पाई बाय टू माइनस एच बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है f ऑफ पाई बाय टू प्लस एच में और f ऑफ पाई बाय टू में कौन बड़ा है, f ऑफ पाई बाय टू सॉरी f ऑफ पाई बाय टू जीरो है, f ऑफ पाई बाय टू प्लस एच माइनस एच है, तो f ऑफ पाई बाय टू बड़ा है। तो पता है f ऑफ पाई बाय टू माइनस एच सबसे बड़ा आया, f ऑफ पाई बाय टू माइनस एच सबसे बड़ा आया, फिर f ऑफ पाई बाय टू आया और फिर f ऑफ पाई बाय टू प्लस एच आया, मतलब फंक्शन पाई बाय टू पे डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। Decreasing at x equals to pi by 2, ठीक है, क्योंकि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, यहां से भी समझ में आ गया होगा LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू से डिसकॉन्टिन्यूअस है, सारे टेस्ट फेल है, बेसिक डेफिनेशन, तो क्यों ना बेसिक डेफिनेशन ही लगा है, करें स्टार्ट। चलो अब हम माइनस पाई बाय टू पर और बात कर दें जल्दी से, f ऑफ माइनस पाई बाय टू, माइनस एच निकालूंगा, f ऑफ माइनस पाई बाय टू निकालूंगा, f ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस एच निकालूंगा। हाँ भाई, f ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस एच माइनस पाई बाय टू से थोड़ा छोटा, यानी यहां पे डालूंगा x की जगह माइनस पाई बाय टू माइनस एच, मॉड कंज्यूम कर लेगा माइनस को, खुलेगा पाई बाय टू प्लस एच, तो चेक करो सिर्फ माइनस एच आ रहा है, ठीक है। अब करते हैं f ऑफ माइनस पाई बाय टू की बात है, यानी यहां पे x को क्या डालना है, माइनस पाई बाय टू, चेक करिएगा जीरो आ रहा है। अब निकालना है f ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस h, यानी माइनस पाई बाय टू से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा यहां पे डालना है, डाल देते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस h, और अभी डिस्कस किया था दोबारा डिस्कस कर देता हूं, अप्रोक्स आइडिया लगा लेता हूं, इसका मतलब क्या है कि टेन की वैल्यू माइनस पाई बाय टू प्लस एच कब आएगी, यानी टेन की वैल्यू माइनस 1.57 कब आएगी, माइनस 1.732, रूट थ्री से काम चला रहा हूं, टेन की वैल्यू माइनस रूट थ्री कब आएगी, माइनस पाई बाय थ्री। तो ये जो है वो हमारा माइनस पाई बाय थ्री के अराउंड है, अप्रोक्सीमेट है, उसी से आप आइडिया लगा सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा, आइडिया लग जाता है। हाँ भाई, तो f ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस h में और f ऑफ माइनस पाई बाय टू में कौन बड़ा है देख लेते हैं। f ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस h ये है और f ऑफ माइनस पाई बाय टू ये है, क्लियरली f ऑफ माइनस पाई बाय टू बड़ा है। f ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस एच में और f ऑफ माइनस पाई बाय टू में कौन बड़ा है, f ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस एच ये और f ऑफ माइनस पाई बाय टू ये, क्लियरली f ऑफ माइनस पाई बाय टू बड़ा है। इसका मतलब fx विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस पाई बाय टू,
when it is compared to its neighbors. इसका मतलब minus pi by 2 पर local maxima है. तो this function has a one local maxima and that local maxima is at minus pi by 2. तो बस हमारा सवाल हो गया कि fx has only one point of local maxima. Answer is B. और चाहे तो इस प्रॉब्लम को हम डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, पर सवाल में ऐसा कुछ है नहीं है. ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल हमारा आसान है. एफ एक रियल वैल्यूड डिफरेंशियबल फंक्शन है, डिफरेंशियबल है, डेरिवेटिव एक्जिस्ट कर रहा है. एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लेस देन जीरो दिया हुआ है. मैं लिख लेता हूं कि भाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो. ये तो पता है fx into f'x less than zero का मतलब fx and f'x will have the opposite sign. यानी अगर fx positive हुआ तो f'x negative है. इसका मतलब function decreasing है. और अगर fx negative हुआ तो f'x positive, मतलब function increasing है. तो समझ में आ गया, A option और B option तो नहीं है. fx may be increasing or fx may be decreasing. It will depend upon the sign of fx. If fx is positive, function is decreasing. If fx is negative, function will be increasing because of this relation. ठीक है, option C या D में किसकी बात हुई है? Mod fx. तो एक function और ले लेते हैं, gx equals to mod fx. और इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कोई बात करेगा तो g डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा. व्हाट इज मॉड ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव? एफ ऑफ एक्स बाय मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. यही होता है, मॉड ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव इज एफ एक्स बाय मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. ठीक है, शायद हो गया. मुझे लगता है ये उसने क्या दिया है, नेगेटिव, और ये तो कंफर्म्ड क्या है, पॉजिटिव. इसका मतलब जी डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन जीरो. यानी जो हमारा मॉड एफ एक्स था, जो जी एक्स था, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी इज द आंसर और सवाल काफी आसान है. ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं. एक जी एक्स एक फंक्शन दिया है एंड दैट इज इन द टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. देन जी एक्स एंड एफ एक्स इंक्रीज एंड डिक्रीज टुगेदर. जी एक्स इंक्रीजेस व्हेनेवर एफ एक्स डिक्रीजेस. यानी कहने का मतलब सवाल में उसने जी एक्स दिया है एंड वी हैव टू कमेंट अपॉन द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ जी एक्स डिपेंडिंग अपॉन एफ एक्स. तो स्टार्ट करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. तो खुद ही बताओ, फॉर जी एक्स टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जी डैश एक्स और उसका साइन देखना पड़ेगा. तो भाई मैं जी डैश एक्स निकाल रहा हूं. एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस टू एफ एक्स का होल स्क्वायर फोर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स चेन रूल नाइन एफ एक्स का होल क्यूब 27 एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स चेन रूल. चेक करिए, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है. एफ डैश एक्स कॉमन आने के बाद यहां पर क्या बचा, 27 एफ एक्स स्क्वायर. आई एम जस्ट राइटिंग 27 टी स्क्वायर. यहां क्या बच रहा है, माइनस फोर एफ एक्स. तो आई एम राइटिंग इट जस्ट एज माइनस फोर टी. और यहां क्या बच रहा है, प्लस वन. और मैंने ये टी किसको बोला है भाई, एफ ऑफ एक्स को बोला हुआ है. ठीक है, बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए लिख दिया है. हां भाई, अब मुझे इसका क्या बताना है, साइन.
ये तो पता है कि इसका साइन इसके साइन पे ही डिपेंड करेगा, एक बार देख लेते हैं। ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारा एक क्वाड्रेटिक है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 27, पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला है। ध्यान से देखें ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है इसका ए कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव है, और इसका डी अगर निकाल के देखें तो वो नेगेटिव है, दिख रहा होगा बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 27 इंटू 1 लेस देन 0 है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया क्या कि भाई साइन ऑफ जी डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स विल ऑलवेज बी सेम, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो जी डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स नेगेटिव तो जी डैश एक्स नेगेटिव, यानी जी विल इंक्रीज इफ एफ इंक्रीज, जी विल डिक्रीज इफ एफ डिक्रीज। तो ऑप्शन इज ए, जी एक्स एंड एफ एक्स इंक्रीज एंड डिक्रीज टुगेदर, यानी दोनों या तो एक साथ इंक्रीज करेंगे या दोनों एक साथ डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है काफी आसान प्रॉब्लम है, चाहो तो मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हो, बट प्रॉब्लम काफी आसान है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में उसने मेरे को एक फंक्शन दिया है एक्स प्लस, नेक्स्ट सवाल में उसने मेरे को एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, और बोल रहा है कि इस पॉइंट पर क्या आ रहा है एक्सट्रीमम, किस पॉइंट पे, टू कॉमा माइनस वन पे। बहुत ही आसान है, कितने अननोन है, दो दो रिलेशन बना दूंगा। पहला ये बोल रहा है कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे एक्सट्रीमम आ रहा है पी पॉइंट, और पी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स उसने मेरे को दिए हैं, टू दिया है माइनस वन दिया है, कर सकते हैं x की जगह 2 डाल देता हूं और y की जगह माइनस 1 डाल देता हूं, डाल दें, समझ में आ रहा होगा ना कि इस पॉइंट पर एक्सट्रीमम है, ये फंक्शन है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पॉइंट डेफिनेटली कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो fx की जगह माइनस 1, x की जगह 2, 2a प्लस b, x की जगह 2 डालने पर यहां आया 1 और यहां आया माइनस 2, तो नीचे माइनस 2, तो पहला रिलेशन 2a प्लस b इक्वल्स टू 2, दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन कैसे बनेगा, बोल रहा है कि इस पॉइंट पर एक्सट्रीमम है, मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर dy / dx की वैल्यू 0 है, dy / dx फेल तो होगा ही नहीं, प्लेन फंक्शन है, मॉड सिग्नम नहीं है, इसका मतलब dy / dx सबसे पहले निकाल लेते हैं, निकाल ले, निकाल लेता, ये तो पता है क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, ऊपर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a हो गया, माइनस ए एक्स प्लस बी एज इट इज आ गया, और इंटू में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस 5, इसे क्या करना है, जीरो, किस पॉइंट पर करना है, एट एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू माइनस 1, यानी एक्स को 2 डालना है, इसको तो जीरो में भेज देते हैं, चलिए भाई एक्स को 2 डालिए, गलती नहीं चाहिए, एक्स को 2 डालने पर ये 4 ये 8 माइनस 10, तो एक्स को 2 डालने पर आई एम गेटिंग माइनस 2a, एक्स को 2 डालने पर 2a प्लस बी, x को 2 डालने पर इट इज माइनस 1, तो आई थिंक ये प्लस हो गया, इक्वल टू में 0, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन कर रहा हूं, b की वैल्यू क्या आ गई 0, और b की वैल्यू 0 आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन से 2a क्या आ गया 2, a इज 1, यानी a इज 1 b इज 0, दैट इज द आंसर, a इज 1 b इज 0, आंसर इज c, और मुझे लगता है सवाल आसान है, चाहो तो मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हो, कुछ भी नहीं किया है, सवाल में बोला हुआ था कि इस फंक्शन का
इस फंक्शन का इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है, ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई जरूर करेगा और इस पॉइंट पर डीवाई बाय डीएक्स जीरो या फेल होगा, फेल तो होगा नहीं, डीवाई बाय डीएक्स जीरो होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सवाल काफी आसान है। चलिए भाई तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। fx इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया है और बोल रखा है कि हैज एक्सट्रीमम वैल्यूज कहां कहां पर, माइनस वन पर और टू पर। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया है उसके लिए माइनस वन और टू पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ रहा है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां आता है, जहां पर डी वाई बाय डी एक्स जीरो होता है या फिर डी वाई बाय डी एक्स फेल होता है। डी वाई बाय डी एक्स इस फंक्शन के लिए फेल तो नहीं होगा, बस डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं, कहां कहां पर, माइनस वन पर और टू पर। ऐसा करते हैं, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स तो निकाल के रख लेते हैं, ए एज इट इज, एलन मॉड एक्स का डेरिवेटिव, आई थिंक एलन मॉड एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स ही होता है, बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू बी एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन, पता है ना, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एलन मॉड एक्स और एलन मॉड एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। ठीक है, सवाल में उसने बोला हुआ है कि एफ डैश ऑफ माइनस वन जीरो है, एफ डैश ऑफ माइनस वन जीरो है, यानी ए अपॉन माइनस वन माइनस टू बी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज आर रिलेशन नंबर वन। उसके बाद उसने बोला हुआ है कि भाई एफ डैश टू जीरो है, कैसे देख सकते हो, एफ डैश टू जीरो है, टू पर लोकल एक्सट्रीमा है, एफ डैश टू जीरो है, तो ए बाई टू प्लस टू बी इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज आर इक्वेशन नंबर टू। और मुझे लगता है आप ए और बी तो दोनों को सॉल्व करके आराम से निकाल ही सकते हैं, आराम से कर लोगे, मैं सॉल्विंग अवॉइड कर रहा हूं, यू कैन इजिली सॉल्व, वेरीफाई कर लूंगा, ए विल कम आउट टू बी टू, बी विल कम आउट टू बी माइनस हाफ, कर लोगे, बस इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आराम से कर सकते हैं, सॉल्विंग करके देखना, यही आने वाला है a to b minus half, तो आंसर इज b एंड प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम काफी आसान सा प्रॉब्लम है, कुछ है ही नहीं, बस बोला था कि माइनस वन पर और टू पर एक्सट्रीमा है तो डी वाई बाय डीएक्स जीरो होगा या फेल होगा, फेल तो होने के चांसेस दूर दूर तक है ही नहीं, डी वाई बाय डीएक्स निकाला, जीरो के बराबर किया, x को माइनस वन डाल के x को टू डाल के, टू अननोन्स टू इक्वेशन सॉल्व फॉर दोस a एंड b। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये भी काफी आसान सा प्रॉब्लम ही था, कुछ भी हमारे पास इस सवाल में नहीं था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, दोबारा हम लोग बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस तरह का सवाल है, इस तरह के सवाल भी हम लोगों ने खूब बहुत सारे किए हैं। fx is equals to x square minus 1 के पार n into x square plus x plus 1. fx has local extrema, यानी either local maxima or local minima, कुछ भी हो सकता है at x equals to 1. ये समझ में आ रहा है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये इसका root है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार fx दोबारा कॉपी कर देता हूं, हाँ भाई, x इक्वल टू वन पे इस फंक्शन का लोकल एक्सट्रीमा लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स जीरो के बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद साइन स्कीम या फिर सेकेंड ऑर्डर टेस्ट या फिर बेसिक डेफिनेशन। मुझे लगता है ये डी वाई बाय डी एक्स ही थोड़ा सा टफ है, आपको पता लग रहा होगा, डी टू वाई बाय डीएक्स टू तो और भी टफ हो जाएगा, x इक्वल टू वन पे ही बात करनी है, कहीं और तो बात करनी नहीं है, और वन इसका रूट है ही है,
या फिर आप सवाल को nth ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, बट मैं बहुत इजीली कर देता हूं। कैसे? सिर्फ कहां बात करने हैं? x इक्वल टू वन पे। ये तो हमें पता है कि भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है, पता लग रहा है। क्यों? क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक का a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, d लेस देन 0 है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अब जरा अगर ध्यान से देखें, यहां पर 1 से बड़ा, अगर ये 1 से बड़ा है, सॉरी x 1 से बड़ा, तो ये 1 से बड़ा है, तो पता लग रहा है अंदर नंबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव की पार n तो पॉजिटिव ही होगा, यानी 1 से इधर पॉजिटिव ही है, ऊपर ही ग्राफ आ रहा है भाई। अब हम जाते हैं 1 से इधर, 1 से छोटा, अगर ये 1 से छोटा है तो ये कंफर्म्ड नंबर नेगेटिव है और नेगेटिव की पार n लगी हुई है। हाँ भाई, नेगेटिव की पार n लगी हुई है। हमें समझ में आता है कि नेगेटिव की पार n अगर इवन हुआ तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी ग्राफ ऊपर ही आ जाएगा। कब? अगर n इवन हुआ, ठीक है, और अगर n ऑड हुआ तो ये नेगेटिव ही आएगा। ये कब है? अगर n ऑड हुआ, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर n ऑड हुआ तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। सिर्फ 1 के अप्रोक्सिमिटी में बता रहा हूं, आगे पीछे बात नहीं कर रहा हूं। 1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और अगर n इवन हुआ तो 1 के अप्रोक्सिमिटी में ग्राफ विल बी लाइक दिस वन। 1 पे लोकल मिनिमा आएगा। मुझे सवाल में 1 पे क्या लाना है? लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो फॉर द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा n हैज टू बी एन इवन नंबर। n कोई ना कोई एक इवन नंबर होना चाहिए। n मस्ट बी एन इवन नंबर। आई थिंक हम लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा बात कर देता हूं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, dy by dx निकालेंगे, जीरो करेंगे, फिर d2y by dx2 का साइन चेक करेंगे या dy by dx साइन स्कीम चेक करेंगे। मैं वो सारा काम नहीं कर रहा हूं कि बहुत थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है, nth ऑर्डर से कर सकते हैं, मैं भी वो भी नहीं कर रहा हूं। तो बहुत बेसिक काम क्या कर देते हैं, सिर्फ 1 पर बात करिए, 1 इसका रूट है, 1 डालने पर 0 आ रहा है। तो 1 से बड़े पर बात कर ली, 1 से छोटे पर बात कर ली, 1 से थोड़े से बड़े पर ये पॉजिटिव है, पार n पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव बना दिया। 1 से थोड़े छोटे पर ये नंबर नेगेटिव है और नेगेटिव की पार n मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर n इवन हुआ तो पॉजिटिव, n अगर ऑड हुआ तो नेगेटिव। ये है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये है तो लोकल मिनिमा, और हमसे लोकल एक्सट्रीमा ही पूछा था। सवाल आसान ही है, चाहे तो हम इसे मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। g ऑफ x हमको ये दिया है, f डबल डैश x लेस देन 0 दिया है इस इंटरवल में। gx डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यानी सवाल में gx के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट करवाया है, और gx के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर कोई कमेंट करवाएगा तो हमें सबसे पहले g डैश x और उसका साइन। तो चलो सबसे पहले g डैश ऑफ x निकालते हैं। 2 एज इट इज, f का डेरिवेटिव f डैश और x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 चेन रूल, प्लस f का डेरिवेटिव f डैश और 1 माइनस x का डेरिवेटिव -1
चेन रूल, जी डैश एक्स इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल, एफ डैश ऑफ एक्स बाय टू माइनस एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा जी डैश एक्स आ गया। और अब हमें इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालूंगा। ऐसा करते हैं, पहले इंक्रीजिंग का निकाल लेते हैं। फॉर जी ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, जी डैश ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू माइनस एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सिंपल है, एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। हमने अब तक एक इंफॉर्मेशन यूज नहीं करी, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो दिया है अगर एक्स जीरो से वन के बीच में है, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आता है? अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो एफ डैश एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एफ डैश डिक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, वही दे रखा है, तो एफ डैश इज डिक्रीजिंग। और पता है अगर एफ डैश इज डिक्रीजिंग साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल गेट changed, x by 2 will be less than 1 minus x। समझ में आ गया होगा? ये तो हमें समझ में आता ही है। चाहो तो मैं वो भी लिख के दिखा देता हूं कि भाई if fx is decreasing, f of x1 greater than f of x2 implies x1 less than x2। ये भी आई थिंक हमको समझ में आता होगा, बहुत बेसिक बात है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ज्यादा इनपुट डालने पर आउटपुट कम आएगा। एफ डैश हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका आउटपुट ज्यादा है तो इसका इनपुट कम होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। सॉल्विंग कर देते हैं, 3x by 2 is less than 1, x less than 2 by 3. इंटरवल सिर्फ 0 से 1 तक दिया था, तो इंक्रीजिंग तो हमारा कहां आ गया, 0 से 2 by 3, तो ऑब्वियस है डिक्रीजिंग कहां आ जाएगा, 2 by 3 से लेकर 1, तो इंक्रीजिंग इन 0 से 2 by 3 और डिक्रीजिंग इन 2 by 3 से 1, इंक्रीजिंग इन 0 से 2 by 3, डिक्रीजिंग इन 2 by 3 से 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जल्दी से बात कर देता हूं, जी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पे कमेंट करवाया था, जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। इंक्रीजिंग जी एक्स को इंक्रीजिंग करने के लिए जी डैश एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव कर दिया, यहां तक तो बिल्कुल आसान था, बस इसके बाद ये दो कंसेप्ट मिस मत कर जाना, ठीक है। एफ डबल डैश नेगेटिव दिया था, इसका मतलब एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, और एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब डोंट फॉरगेट टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, बिकॉज मोर द इनपुट लेस द आउटपुट, मोर द इनपुट लेस द आउटपुट, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द डिक्रीजिंग फंक्शन आई गेस। ठीक है, तो ये सवाल भी काफी आसान है, पर हम इसे थोड़ा सा मीडियम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो बस लास्ट सवाल पर हम लोग और आ जाते हैं। फंक्शन ये दिया है, इंक्रीजिंग है आई वन इंटरवल में और डिक्रीजिंग है आई टू इंटरवल में, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है एक्स जीरो तो नहीं हो सकता, क्यों, लॉग के आगे है, जीरो अलाउड नहीं है, सारे पॉजिटिव नंबर अलाउड हैं वो तो होते ही हैं, और आई थिंक इस प्रॉब्लम में सारे नेगेटिव नंबर भी अलाउड है, मॉड कंपनसेट कर लेगा, बस एक्स जीरो नहीं है। तो पता है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जितने भी सवाल होते हैं उन सब में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डोमेन।
और पता लग रहा होगा डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो. एक्स इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, बस जीरो नहीं हो सकता. अब इंक्रीजिंग आई वन में दिया है, डिक्रीजिंग आई टू में दिया है, कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. पहले इंक्रीजिंग का निकाल लेते हैं, डिक्रीजिंग का शायद अपने आप मिल जाएगा. फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. चलिए भाई एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, आसान है. टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, ln mod x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x, ln mod x का डेरिवेटिव 1/x. ठीक है भाई, इसे हम ग्रेटर देन जीरो कर लेते हैं इंक्रीजिंग के लिए. तो 4x स्क्वायर माइनस 1/x ग्रेटर देन जीरो इजीली आई थिंक फैक्टराइजेबल है. समझ में आ गया होगा. नंबर लाइन बना लेते हैं. नंबर लाइन में इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए जीरो, इसके लिए हाफ. पता लग रहा है हाफ से बड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है यहां पर, इंक्रीज कर रहा है यहां पर, डिक्रीज कर रहा है यहां पर और इंक्रीज कर रहा है यहां पर. तो बताओगे फंक्शन इंक्रीज किस किस इंटरवल में किया? माइनस हाफ से जीरो में किया और यूनियन हाफ से इन्फिनिटी में किया. तो आई थिंक दैट इज आई वन. फंक्शन डिक्रीज बताइए कहां कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ में किया, यूनियन जीरो से हाफ में किया. आई थिंक दैट इज आई टू. चूज द ऑप्शन नाउ. हां भाई आई वन माइनस हाफ से जीरो, यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. आई टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, यूनियन जीरो से हाफ, बी ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन तो फिर आई थिंक सी और डी तो हमारे पास रॉन्ग हो ही गए. तो ऑप्शन ए एंड बी आर द आंसर्स. और सवाल आई थिंक काफी आसान है. तो दैट इज द डिस्कशन फॉर लाइव क्विज चैलेंज 6 2021. थैंक यू.